सरकार और विपक्ष के बीच सदन में जारी गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के नाम पर सरकार को घेरने में जुटा विपक्ष राज्यसभा में भी सरकार को घेरने में जुटा है। टीडीपी सांसदों ने वेल में आकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हंगामे से नाराज सभापति वेंकैया नायडू ने कहा, देश हंस रहा है, सदन को चलने दीजिए, नहीं तो संसद मजाक का विषय बन जाएगी। मित्रों, ये लोग हंस रहे, मजाक का विषय बन जाएगा पार्लियामेंट, ऐसा मत होने दीजिए। मेरा सबको सुझाव है, अब सब लोगों से अनुरोध है, कृपया सदन को चलने दीजिए, ये देश के हित में नहीं है। This is not in the interest of the country। वेंकैया नायडू की अपील के बावजूद सदन में तख्ती लेकर विपक्ष हंगामा करता रहा। टीडीपी के लगातार हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति ने पूछा, विपक्ष और सरकार दोनों सदन चलाना चाहते हैं, तो फिर दिक्कत कहां आ रही है? राज्यसभा में बजट सत्र के 11वें दिन यानी आज वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से वित्त और विनियोग विधेयक 2018 को विचार कर वापस लौटाने वाला था, लेकिन टीडीपी के हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।